हेलो दोस्तों, मैं हूँ अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल ऑडियो चैनल। आज हम बात करेंगे आपको 10 क्लास के जो इम्पोर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसी के बारे में। और ये आज बात करेंगे हम पिछले कई सालों का, यानी जो स्टूडेंट टॉप किए थे उसमें हिंदी एक के सब्जेक्ट के बारे में आज बात करेंगे 10 क्लास का। और आपको एक चीज़ बता दें कि आपका जो कॉपी होता है वो दोबारा भी जांच होता है, तो ये कॉपी आपका पुनराभिपरीक्षित किया गया है, यानी दोबारा भी इसमें जांच हुआ था। पहले इस स्टूडेंट को 97 दिया गया था हिंदी ये में 100 में, क्योंकि ये 2016 का हम कॉपी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस टाइम आपका सिलेबस अलग था, यानी 80 मार्क का एग्ज़ाम नहीं होता था। हिंदी का जो भी लैंग्वेज था वो आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम होता था, तो उसी में आपको 100 में 97 दिया गया था, लेकिन इसको बाद में थोड़ा सा करेक्शन करके इसको 93 दिया गया है। इसको अब दिखाएंगे आपको। तो आपका कॉपी जो है वो पुनः रिवीजन भी होता है, पुनः निरीक्षित भी किया जाता है, यानी दोबारा भी जांच किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं। जब मान लीजिए कोई कॉपी में ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसमें दोबारा 3 बार भी जाँच होता है। ठीक है, तो एक टॉप था, स्टेट टॉप था स्टूडेंट, उसी का एक कॉपी है आपका हिंदी ए के बारे में। तो ये आपका 2016 का है, इसमें आपको जो हिंदी क्वेश्चन है 2001 का, ना हिंदी ए का, तो इसमें आपको यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट हो गया वो आपका काम भी आएगा। और यहाँ से एक तसल्ली आपको बन जाएगा कि किस तरह का राइटिंग होने पर, किस तरह आंसर देने पर हम भी टॉप बन सकते हैं, ये आपके दिल में थोड़ा सा एक जुनून पैदा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक अपना आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। और आपके पास अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी समय भी नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला जो यहाँ पे नंबर दिया गया था, इसको यहाँ पे 7 नंबर दिया गया था, 10 में 7 मिला था इस लड़का को, लेकिन बाद में इसको 1 घटाया गया है। यहाँ पे आपको ये तो सही था पहले से ही। उसके बाद आपको नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 नंबर था लेकिन यहाँ पे 2 किया गया करेक्शन करके, और यहाँ पे टोटल में यहाँ पे घट गया है, 8 था तो 5 हो गया। और यहाँ पे आपका पहले था 39 ना 49, तो वहाँ पे 1 हो गया 48। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका था 97, तभी उसको कर दिया गया है 93। तो ये करेक्शन हुआ था दोबारा जांचने के बाद, ये नंबर को थोड़ा सा घटा है 4 नंबर। तो चलिए हम इसमें अब यहाँ पे तो जो है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इसका निर्देश था। ठीक है, इस तरह इसको स्कैन थोड़ा सा टिरछा हो गया। चलिए जो भी है जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया तो इसका जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो अपठित गद्यांश है, इसको अपठित गद्यांश अभी भी पूछा जाता है, तो यह अपठित गद्यांश सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लें। तो पहला जो है यहाँ पर लिखा गया है कि अपठित गद्यांश में जो है, भारत एक पुरातन देश है। ठीक है, पुराना देश है, इसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों के लिए अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गौरव है, यानी भारत जो है पुरातन देश है, इसकी जो संस्कृति सभ्यता है इसमें इसको बहुत गौरव है। तो इससे रिलेटेड ये आपका कहानी है, यानी अपठित गद्यांश है, इसको आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो होगा वो आंसर आप नीचे देंगे। तो इसलिए हम ज़रूर बोलेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बारी बारी से ये कर देंगे, अब इसको पढ़िए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और ये आ भी सकता है आपका, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पे देख ले, यहाँ तक आपका ये होता है, अब उसके बाद यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न अंक का उचित शीर्ष क्या, तो उचित शीर्ष जो भी है आप लिखिएगा, भारतवर्षियों को किस पर बड़ा गौरव है, यानी भारतवर्षी को अपनी संस्कृति और सभ्यता पर बड़ा गौरव। तो इस तरह करके यहाँ पे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का भी ये स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिए इसको, भारत की सभ्यता और संस्कृति आपका उचित शीर्ष था, भारत के अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गौरव है। तो देखिए इसका राइटिंग कैसा है, तो अगर आप भी इस तरह का राइटिंग लिखेंगे तो आप भी नंबर, देखिए राइटिंग उतना खास ऐसे तो देखने को नहीं लगता है, फिर भी ये स्टूडेंट टॉप है। ठीक है, लेकिन इसका जो है, इसका जो आंसर देने का कला है वो आंसर सही सही दिए हैं। इस पूरा आंसर को आप देख सकते हैं, जब आप पूरा आंसर को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा करना मेन मकसद मेरा नहीं है, सिर्फ आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आपको सलाह देना मेरा काम है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा चीज़ देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं पहले, अब इसको हम देखते हैं। दूसरा ये यहाँ पे अपठित जो है, यानी गद्यांश जिसको हम कह सकते हैं,
अभी तो यहाँ पे दो नंबर में काव्य दिया जाता है अपठित काव्य, तो ये आप हटा सकते हैं या इसको आप हिंदी ये में पढ़ भी सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कुछ बैकग्राउंड के बारे में। यहाँ से आप इसको आंसर भी देख लेंगे, या आंसर अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे ख जो है यहाँ से आपका होता है, जो निम्नलिखित दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग दूसरे शब्द में निबंध लिखें। तो इसके इस विषय पर दूसरे शब्द में निबंध लगना चाहिए। तो वन संरक्षण, यहाँ पे वन संरक्षण है, भूमिका वन संरक्षण करना हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कार्य बन गए हैं। आज प्रदूषण इतने अधिक हो गया है कि चारों ओर प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो ये वनों के ऊपर ये यहाँ पे लिखा गया है निबंध, सारा चीज़ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ढंग से लिखे हैं। जो भी बिंदु उसमें दिया गया, सब बिंदु पर, हर बिंदु पर चर्चा किया गया है। तो इसी तरह आपको भी हम सलाह देंगे कि हर बिंदु तक पर आप भी चर्चा करें, क्योंकि जब तक आप हर बिंदु में चर्चा नहीं करेंगे तो फिर आपको एग्जामिनर जो होंगे वो आपको नंबर नहीं देगा। यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। झारखंड जो है इसका कोई भी एक ऐतिहासिक ऐसे मैंने ऐतिहासिक ऐसे एक स्थल जो कीजिए जिसका वर्णन करते हुए अपने मित्रों को आप पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट क्या लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या कैसे लिखना चाहिए, कैसे भाषा बनता है। देखिए हर चीज़ याद करके नहीं होगा, कुछ कुछ तो आपको बनाने की कला या बनाने की जो ये क्षमता है वो रखना पड़ेगा। देखिए ये आपका दो बार जांच हुआ, तो पहले में एक लकीर देख रख दिया गया था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पढ़ाया गया। यहाँ पर पाँच नंबर क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयुक्त किए गए पदों को छाँट कर लिखें। यहाँ पद को छाँट काट कर लिखने को लिए कहा जा रहा है। तो आगे आप देखिए यहाँ पे छः नंबर, रिक्त स्थानों को पूर्ति जो है अव्यय पदों से कीजिए। यहाँ पे सात नंबर क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो जो भी निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। आठ नंबर है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करें। यहाँ पे निर्देश अनुसार वाक्यों को परिवर्तन आप कीजिए, और बच्चों ने किया है इसको देख लीजिए आप। और उसके बाद नौ नंबर है, देशभक्त का समस विग्रोह कीजिए। प्रतिदिन कौन सा समस है, अंबर में दो भिन्न अर्थ लिखिए। तो ये सारा चीज़ लिखा गया है इसमें। आपको क्या होगा, दो भी दोनों चीज़ हो जाएगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा और आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो खंड यहाँ से घ शुरू होता है, यहाँ से आप इसको पढ़ लें, और ये पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन है उसको आंसर देना है। यहाँ पे दो है, तो इस तरह यहाँ पे दो में और चांसेस आपका बढ़ गया कि इन दोनों से आपका काम आ जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर दोनों को थोड़ा बहुत देख लेंगे तो दोनों में से कोई एक आ भी जाए अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का आंसर दिया गया है, यानी दोनों का आंसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि अथवा से है, तो एक का आंसर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको देख ले या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे चार प्रश्न दिया गया है, चार प्रश्नों में से कोई तीन प्रश्नों का उत्तर ही लिखना आपको है। तो इसमें ये तीन तीन करके 9 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है, खौर नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, उसके बाद ग दिया है, उसके बाद घ दिया है। ठीक, हर घ का 3 पॉइंट बना के छोड़ दिया गया है। अब आगे हम देखते हैं इसका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पे प्रश्न जो है अथवा करके है, एक पहला वाला में एक तीन और दो दो, और फिर नीचे वाला में उसी तरह तीन और दो, यानी कविता से रिलेटेड सवाल है। तो इसको आप देख लीजिए इसको कैसे आंसर उसने दिया है। अब हम जाएंगे 13 नंबर, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी गद्यांश दिया गया है उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इसको आप आंसर दीजिए। उसके बाद नीचे फिर अथवा करके, यानी यहाँ पे एक चांसेस आपको बढ़ गया, यहाँ पे दो क्वेश्चन ही नहीं मिल गया, यानी दो इस तरह करके पैराग्राफ आपको मिल गया, पैसेज मिल गया, आप कर सकते हैं कोई, जिसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना चाहिए। तो एक इसको यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट होने का और क्या हो गया, एक मौका मिल गया, या एक आपको आइडिया मिल गया आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे आप मिल गया है आपको। ठीक है,
अब हम देखते हैं नीचे नंबर, नीचे जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया चार प्रश्न पूछा गया, तीन आंसर आपको लिखने को लिए कहा जा रहा है। यहाँ सब तीन क्वेश्चन के देखिए, यहाँ पे क नंबर का आंसर दिया गया है, ख नंबर के भी आंसर दिया है, घ नंबर का आंसर दिया गया। तो कोई तीन में से चार दिया गया है, कोई तीन आप लिख सकते हैं वहाँ पर, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहला ही लिखना है दूसरा ही लिखना है। देखिए यहाँ पे फिर दो प्रश्न दिया गया है, यानी दो प्रश्नों में दो पार्ट में बांटा गया है अथवा करके, तो इसमें भी आपको इम्पोर्टेंट होने का चांसेस और बढ़ गया। यदि हर जगह में आपको दो दो अगर ऑप्शन मिल जाता है, यानी दो दो करके चार क्वेश्चन मिल जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ सब अगर हो सकता है तो आपको हम इतना बता सकते हैं कि 60% क्वेश्चन यहाँ सबका एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। हो सकता है जो आपका पैटर्न अभी का है ये अलग पैटर्न है, उसी क्वेश्चन को उल्टा पुलटा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, बस इतना ही है। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपका क्वेश्चन का पूछने का जो पैटर्न होते थे वो तरीका उसी को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। 16 नंबर है, नाक समान नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को घोत है, तो इसके संबंध में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप ज़रूर देख लेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आते हैं, और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ हम अगर इसको पढ़ते जाएंगे और आंसर बताते जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आपको इसको दिखा रहे हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसको आप आराम से लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जब भी मन करे आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो को लाइक एक ज़रूर करें, क्योंकि अगर एक लाइक आप वीडियो को करते हैं तो उसमें हमको वीडियो बनाने में काफ़ी उत्साह बढ़ जाता है, और हम वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जब वीडियो में लाइक नहीं आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता कि शायद मेरा वीडियो कोई किसी को पसंद नहीं आते होंगे, शायद हम मतलब जो लैंग्वेज बोलते हैं वो समझ में नहीं आए। तो इसलिए वीडियो को जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक हमको वहाँ तक रिस्पॉन्स ठीक नहीं आएगा, इसलिए आप ज़रूर हम सलाह यही देंगे कि यदि आपका कुछ हेल्प हो रहा है, यदि कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा बहुत कुछ उसमें उत्साह बढ़ सकता है, इसलिए हम यही बोलेंगे कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।